तो ससुर हमारी गाड़ी ने दे दिया 26 रुपए में जो माइलेज दिया है ना भाई, आधे का आधा लीटर है भाई। मतलब कमेंट करके बताना कि ये माइलेज कैसा है भाई। मेरे को तो भाई बहुत बेटर लगा है जिस हिसाब से मैंने गाड़ी चलाई है। तो भाई 26 रुपए में जो मेरे को माइलेज मिला है ना यार भाई, माशाल्लाह यार, आज दे दिया ने दिल खुश कर दिया यार। तो यार मतलब मजा आ गया यार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब का चैनल डीजे वाला खान। तो वेलकम करते हैं आज एक नए वीडियो के साथ यार। आज मैंने मतलब लोगों की बहुत डिमांड थी कि भैया माइलेज टेस्ट करो सिटी में, तो यार मैंने एक सिटी का ही एक्सपीरियंस लिया है, तो मैंने आज इसमें भराया भैया 26 रुपये का पेट्रोल, विच इज़ आधे का आधा लीटर, मतलब बोले तो 250 ml सिंपल भाषा में। तो यार देखो ट्रिप मीटर लगा देता हूँ मैं, 0-0 कर देता हूँ गाड़ी का। और गाड़ी जो आज मैं भगाऊंगा ना, ये कुत्ते मौसम भगाऊंगा, मतलब जो यंगस्टर भगाते हैं ना ऐसे गाड़ी भागेगी हमारी। तो यार ये है आधे का आधा लीटर पेट्रोल, देख सकते हो आप गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है, हमने बहुत कोशिश करी और पेट्रोल इसमें लगभग पूरा ख़त्म है, आधे का आधा कप बचा है इसके अंदर पेट्रोल। मतलब एक इंजेक्शन आता है ना जो अपने को वैक्सीन लगती है, उतना पेट्रोल बचा है इसके अंदर। कोविड की वैक्सीन नहीं, कोई भी वैक्सीन ले सकते हो। सो यार देखो पेट्रोल मैं भरता हूँ इसमें फटाफट से, गाड़ी को हिला के देख लेता हूँ, ये पेट्रोल दिख तो नहीं रहा है कहीं लोगों को, क्योंकि है ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा। सरा देख सकते हो आप, ये है 250 ml का पेट्रोल, फटाफट इसको भरते हैं गाड़ी के अंदर। तो यार पेट्रोल जब तक भरता है तो भैया चैनल को कर देना सब्सक्राइब हमारे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। देखो हम बोल नहीं देंगे सब्सक्राइबर को, जब तक हमारी पेट्रोल भरता है गाड़ी हमारी देखो चलती रहेगी, उस पर ध्यान देना मत। बोर नहीं होने देंगे, बात करेंगे अपने सब्सक्राइबर से। 00 ट्रिप मीटर में लगा दिया था और गाड़ी को यार मैं सिटी में ही चलाऊंगा, आपको ऐसा ही एक्सपीरियंस मिलेगा। और गाड़ी को भैया मैंने सिटी से भी बहुत ख़राब कंडीशन में चलाया है, मतलब इतने ब्रेक मारे हैं ना ससुरा की सिटी में हम इतने ब्रेक नहीं मारे आज तक जितना हम इस कस्बे में मारे हैं ब्रेक। और भैया हमने गाड़ी ऐसे चलाई नहीं जैसे यंगस्टर चलाते हैं ना एकदम उठा उठा के, वैसे ही चलाई है हमने, कोई यूँ नहीं कि हाँ कि हाँ भाई हमको अच्छा माइलेज निकालना है। आप ऐसी कंडीशन में जब गाड़ी चलाओगे तो कैसा माइलेज देगी, मेरे को वो एक्सपीरियंस खुद को भी करना था नया। तो यार देख सकते हो आप बाज़ार में जा रहा हूँ ना, लोग हमको इतना घूर घूर के देख रहे हैं ना, तेसरा हमारा फ़ोटो वीडियो ले रहा है, बिकॉज मैंने पेट्रोल पंप वाले का वीडियो क्या डाल दिया भैया यार, वो तो पूरा खेरवाड़ा में फेमस हो गया यार हमारे, बिकॉज यार उसको मैंने यूट्यूब पर देखा है, बोल रहे थे ऐसा करके। तो यार लोग बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहे थे, और यार मेरे पापा का दोस्त मिल गया ना, तोबा तोबा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे पापा के दोस्त ऐसे हैं ना यार, जाके यार आपका लड़का हेलमेट पहन के किमल आगे घूम लिया था उधर, देखा था मैंने, मतलब कंप्लेंट आती रहती है यार। और पापा मेरे कभी नहीं दिखते, पापा के दोस्त जरूर दिखते हैं। तो यार यहाँ से हम जा रहे थे, एक आदमी और देखा वापस मुड़ मुड़ के गाड़ी को हमारी, चलो यार देखने दो उसको, हमारी रानी को देख रहा है। तो यार एक्चुअली क्या यार, ये एक छोटा कस्बा है, एक नई सिटी नहीं है, पर मैंने यार इसमें ऑफ रोड भी किया है और लगभग यार मैंने बाज़ार के 2-3 और मान लिए इसके, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये एरिया, छोटा ही है, पर मैंने क्या गलियों में से जो गाड़ियाँ निकाली है ना यार कसम से, आप यकीन नहीं मानोगे इतनी ब्रेक मार ली ना। तो यार गलियों में दिखा नहीं सकता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई प्रेफर मैंने मार्केट दिखाया, सिटी में चलाई गाड़ी वही दिखाया। तो गाड़ी यार वही 40-45 लास्ट गई है, उससे ज़्यादा जा ही नहीं रही थी, तो फालतू रिस्क नहीं ले सकते ना यार। तो यार मैंने एक ट्रैफिक में जैसे गाड़ी चलाओगे आप, उसका एक्सपीरियंस भी दिया है इसके अंदर। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल को। तो भैया यार मैंने क्या वीडियो को रखा शॉर्ट यार, गलिया में नहीं दिखा सकता यार, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ा बना था एक्चुअली, इतना कट पेस्ट किया है ना मैंने, यकीन नहीं मानोगे यार, मतलब गाड़ी धीरे धीरे चल रही है तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, और ऊपर से यार धूप इतनी पड़ रही है ना, आपको स्पीडोमीटर को देखने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, बिकॉज मैं निकला था 1 बजे। तो यार मैं इस गाड़ी के साथ ऑफ रोड करने की कोशिश भी कर रहा हूँ जितना पॉसिबल है, और देखो ससुरा ये पूरी गैंग हमको घूर घूर के जो देखी है ना, हमारा दिल बहुत खुश हो गया, चलो यार कोई तो देख रहा है हमको। तो यार चलते हैं ऑफ रोडिंग करते हैं गाड़ी के साथ यार, मतलब इसके सस्पेंशन थोड़े यार हार्ड हैं, तो क्या थोड़ा झटके ज़्यादा लगते हैं, आपको कम्फर्ट इतना लगेगा नहीं ऑफ रोड में कम्पेयर टू अगर दूसरी जो स्कूटर्स है ना, लाइक ग्रेजिया एंटॉर्क, दूसरे जो इसका पुराना मॉडल था ना जो रेजिया था, उसके सस्पेंशन भी ज़्यादा बेटर थे इस वाली गाड़ी से देखा जाए तो। तो यार मैंने कोशिश की है कि थोड़ा ऑफ रोड मिला देते हैं गाड़ी के अंदर, अगर आप ऑफ रोड भी करोगे थोड़ा, अगर आपका एरिया थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब है तो उसके अंदर भी मैंने ऑफ रोड मिला दिया, ये भी माइलेज में ऐड हो रहा है टेंशन नहीं रहने का। तो यार इधर ही मैंने क्या नाइट आई की LED हेडलाइट रिव्यू करी थी,
ऑफ रोडिंग भी भाई मैंने इधर ही बनाई थी वीडियो, जो बनाई थी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। यार एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि भैया जो आपने नाइट आई की जो LED हेडलाइट लगाई है वो उल्टी लगाई है। तो यार मैंने बहुत ट्राई किया, वो सही पोजीशन में लगी हुई है, बिकॉज यार नाइट आई में जो एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको बताऊँगा, दैट इज सो यार नाइट आई की LED हेडलाइट में क्या एक प्रॉब्लम है। डिसएडवांटेज उस लाइट का यह है कि यार उसमें जो अपर है ना वो ना के बराबर ही काम करता है, उसको तो आप भूल ही जाओ कि भाई वो काम करेगा। मैंने YouTube पर जितने भी रिव्यू देखे नाइट आई के, उसके अंदर किसी के अंदर अपर है ना वो सही से काम नहीं करता है। और जो मैंने फिटिंग की है ना यार नाइट आई का एंगल का, जो दो लाइट LED हेडलाइट होती है वो ऊपर ही रहेगी, एक नीचे रहेगी, एक अपर के लिए ही है। सो यार मैंने जो फिटिंग की है वो सही है, और इसका डिसएडवांटेजेस यही है नाइट आई का कि उसके अंदर अपर इतना सही से काम नहीं करता है। और भाई लोगों की कमेंट्स आ रहे थे कि यार भाई टायर के रिम्स है ना उनको पेंट करो यार, उसमें मैं बहुत काम कर रहा हूँ। यार सही बताऊँ ना, इन फ्लिपकार्ट और अमेजोन वालों पर इतनी गुस्सा आ रही है ना, इनकी कोई गलती नहीं है, जो कुरियर वाले ना यहाँ पे ईकॉम एक्सप्रेस यार दे आर नॉट डिलीवरिंग माई ऑर्डर। पता नहीं यार आउट ऑफ डिलीवरी होते हैं पर ऑर्डर दे रिसीव कर नहीं रहे, मतलब डिलीवर कर नहीं रहे हैं टाइम पे यार, मतलब ऑर्डर स्कैन हो जाता है, आउट ऑफ डिलीवरी निकल जाता है, फिर पता नहीं कहाँ रख देते हैं। फिर जब मैं उनके सर्विस मतलब कुरियर के पास जाता हूँ तो वो बोलते हैं भैया इतना सारा पड़ा है, ढूंढना पड़ेगा, आपका ऑर्डर मिलेगा, हम कल आपको पक्का दे देंगे, तो अभी तक मिला नहीं है। और एक ऑर्डर दो ऑर्डर ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं मेरे, वापस क्योंकि डिलीवर किया नहीं तो वो ऑर्डर कैंसिल हो गए, वापस मैंने प्लेस किया, वापस मैं वेट कर रहा हूँ कब होंगे डिलीवर। सो यार दिक्कत आ रही है बहुत, उसका वीडियो शॉर्ट में जाएगा, जिससे वो पेंट आ जाएंगे ना तो मैं वीडियो यार बना के डाल दूँगा। और यार वापस चलो यार, ये जो मेरी ऑफ रोडिंग है ना ये एरिया मेरे दोस्त के घर पर जाता है यार, मतलब फेवरेट प्लेस है मेरा यहाँ पे ऑफ रोड करने का, यहाँ से गाड़ी निकालने का। और ये तो भाई मैं नॉर्मली लेके जा रहा हूँ, बाकी जो अकेला होता हूँ ना वीडियो नहीं बना रहा होता हूँ, कुत्ते माफिक गाड़ी भगाता हूँ यहाँ पे मैं, मज़ा आ जाता है यार। और देखो यार ये दिख रहा जितना ऊपर है ना उतना है नहीं और ज़्यादा ऊपर है, और आप देखना यहाँ पे गाड़ी भाई बिल्कुल भी स्लिड नहीं करती है, यहाँ पे टायर है ना मेरे गाड़ी के यार, मतलब ऑफ रोड में इसके टायर ऐसे है ना यार, अगर आप ऑफ रोड करते हैं ना कंपेरिजन दूसरे टायर के, जैसे एंडोर के दूसरे टायर होते हैं ना स्लिपी टायर होते हैं, उसमें है ना गाड़ी स्लिपी करती है हल्की सी पीछे से, जैसे एक्सीडेंट हो गया ना तो गाड़ी फिसलती है साइड में से हो जाती है, तो इस टायर में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है ऑफ रोड के। तो ससुरा आज का दिन हमारा ऐसा गया है ना यार, आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह सुबह पापा की डांट पड़ी, ब्लॉग बनाना था, ऊपर से यार मौसम एकदम चेंज हो गया, धूप पड़ रही है ना, इसलिए कि आपको स्पीडोमीटर में ना देखो 1 बजे के बाद बनाया मैंने वीडियो, तो धूप है ना सीधी स्पीडोमीटर पे आ रही है, जिससे कि आपको क्लियर दिख नहीं पाएगा किलोमीटर गाड़ी कितने चल रही है, सॉरी फॉर देट। सो यार आज यार हम पेट्रोल भराने गए तो हमारे एक्स का फंटा हमको दिख गया, और हम वहाँ से ऐसा भागे हैं ना भैया, हमने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, तवा फालतू भैया झगड़ा वगड़ा होगा यार, ऐसे भागे हैं ना। तो मेरी एक्स जो थी ना यार वो थी पुरानी हमारी दुलारी ZR 110 cc की यार। सो यार एक्चुअली मैं यहाँ पे यार आप देखना पूरा देखना वीडियो भाई, मैं यहाँ पे आराम से जा रहा था, ये देखो भाई मतलब ये जो रिकॉर्ड हुआ ना कैमरे में भाई, मतलब पक्षी मेरे से आगे टकराया, मेरे तो भाई मतलब हाथ पैर फूल गए, हुआ क्या था ये मुझे खुद नहीं पता यार, अच्छा है मुंह पर नहीं टकराया, साइड में से निकल गया, वो हाथ तो मेरा छूट ही गया था लगभग, वो मैंने कंट्रोल कर ली गाड़ी, अचानक से आ गया यार डर गया मैं। सो यार मैं था मेरी एक्स के बारे में यार, मेरी एक्स थी यार ZR 110 भाई साहब, जो उसकी कंट्रोलिंग थी ना भाई इतनी माशाल्लाह थी ना यार, मतलब कोई गाड़ी में कोई अभी तक स्कूटी ऐसी लगी नहीं जो उसकी टक्कर दे दे उसकी हैंडलिंग में, मतलब 110 cc की थी मेरे पास, इसलिए मैंने अपग्रेड करी 125 cc, वो तो भाई उससे बहुत यादें जुड़ी है अपनी, उसका भी लुक एक अलग और हटके था। सो यार चलते हैं, अब देखो हमारी गाड़ी 10 किलोमीटर चलने वाली है अप्रोक्सली, यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं 10 किलोमीटर। सो यार हमारे 10 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इधर पता नहीं गाड़ी चलेगी कितना यार, 10 किलोमीटर अब तक चल चुकी है, अंदाज़ा लगाओ कितना और चलेगी। सो यार एक्चुअली जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना यहाँ पे एक मेवार भील कोर है, विच वाज मेड बाय द ब्रिटिशन गवर्नमेंट इन 1859-54 कुछ समथिंग है, मेरे को याद नहीं है एक्चुअली। तो यार ये एक ऐतिहासिक प्लेस है मेरे एरिया में,
मैं बताना चाह रहा था पर ऐसे बता दिया, सोचा यार तो नॉलेज बढ़ गया आपकी। तो यार जो प्लेस है ना यार, मेरा एक्चुअली बहुत छोटा प्लेस है विच इज़ सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ हाईवे ऑफ मुंबई का हाईवे और दिल्ली का हाईवे, एक नेशनल हाईवे 8 जाता है, उसके बीच में है ये और हाईवे के पास में ही है, जस्ट ज़्यादा दूर नहीं है यार। अगर कभी अब आओ नेशनल हाईवे से 8 से, कोई मुंबई से हमारा सब्सक्राइबर हो, कोई दिल्ली से हमारे सब्सक्राइबर हो, तो खेवाड़ा तुमको आते समय बीच में ज़रूर मिलेगा यार, लिख के दे रहे हैं हम। खेवाड़ा अगर नहीं मिले तो नाम बदल दीजिएगा हमारा, अगर आप दिल्ली से मुंबई आ रही है, मुंबई से दिल्ली जा रहे हो तो। सो यार पेट्रोल हमारा ख़त्म होने वाला है लगभग, ऐसा लग रहा है हमको झटका मारी गाड़ी। सो यार आई थिंक पेट्रोल ख़त्म हो गया है, गाड़ी एक्सेलेटर नहीं ले रही है। तो भैया हो गया पेट्रोल यहाँ पर ख़त्म और हमारी गाड़ी समथिंग चल चुकी है 10.7 किलोमीटर। सो यार इसमें आई थिंक आधा एक किलोमीटर का पेट्रोल बचा है जिसको मैं ख़त्म नहीं करूँगा यार, बिकॉज ये 6 है, रिस्की है, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सेलेटर दूंगा तो ख़त्म होगा ही नहीं, बिकॉज अगर घाटा होता ना तो मैं ख़त्म कर सकता था, बिकॉज क्या पेट्रोल इस साइड आ जाता है तो ख़त्म हो जाता है। सो यार पेट्रोल यहाँ पे हो चुका है ख़त्म, देखो 26 रुपीज़ में, 6.26 का था वो निकलने के बाद, मैं बता रहा हूँ आपको जो पेट्रोल स्टार्टिंग में निकल गया था मेरा 26 में। 10.7 किलोमीटर कवर किया है गाड़ी मेरा, जिसमें मैंने ना सिटी से और भी ज़्यादा ख़राब चलाई है गाड़ी, मतलब सिटी में इतनी ब्रेक नहीं अप्लाई होती है, बिकॉज मेरा सिटी में जो रोड है ना वो एकदम सही है यार, उदयपुर का रोड तो भाई माशाल्लाह है, इतने बिगड़े हुए नहीं है। बाकी देखो रोड टू रोड कंडीशन होती है आपके एरिया में कैसे रोड हैं, इट डिपेंड्स ऑन रोड और इट डिपेंड्स ऑन आल्सो आपका वेट कितना है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो यार मैंने है ना मैक्सिमम टाइम यूँ किया है कि यार जब मेरे आगे ब्रेकर आ रहा है ना तो मैंने एक्सेलेटर छोड़ दिया, जिससे कि मेरे को बेटर माइलेज मिला है। आप ऐसे बेटर माइलेज ले सकते हो, और आपको अगर और भी बेटर माइलेज चाहिए ना, आपको देखो गाड़ी को पिकअप ज़्यादा उठाना नहीं, धीरे धीरे नॉर्मली उठाना है गाड़ी को, जब आप पिकअप के लिए उठाते हो ब्रेकर के बाद, इससे आपको बेटर माइलेज मिल सकता है। तो यार ये मेरा सेफ्टी पेट्रोल है, इसको मैं भर लेता हूँ। तो यार अगर आपको अगर वीडियो लगा हो हेल्पफुल तो भैया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक और शेयर कर देना इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो ये अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो हमको मिलेगा थोड़ा सा मोटिवेशन फॉर मेकिंग और लॉट ऑफ वीडियो यार। तो अगर सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा लगेगा, बोल रहे थोड़ा और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो यार कोई अगर आपका और भी कोई डाउट हो रेजियर को लेके या दूसरी स्कूटर को लेके, तो यार मेरे को कमेंट करना, बिकॉज मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़ हो रहा है एंटो को रेजियर के बीच में, बीच वन इज़ बेटर। सो यार उसके लिए भी एक अच्छा सा वीडियो आने वाला है जल्दी। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो वापस सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में बात करना हमसे अगर कोई भी दिक्कत हुई हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो, और मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में।